कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में आज जो हमने इतला जो एप्लीकेशन डेवलप की है इन कोलाबोरेशन विद एनआईसी और इसको हमने आज लॉन्च किया है। ये जो एप्लीकेशन है इतला, ये एक बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन है जिसमें गूगल प्ले स्टोर से ये इजीली एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है और अपने आप का रजिस्टर करके कोई भी इंसिडेंट जो है, चाहे वो फायर के हवाले से हो, चाहे वो आर्थ के हवाले से हो, कोई भी नेचुरल या मैन मेड डिज़ास्टर हो उसके हवाले से उसको रिपोर्ट कर सकता है, या कहीं पर ई टीजिंग होती है या इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, ट्रैफिक जामिंग होती है, कोई भी इंसिडेंट जो होता है उसको वो रिपोर्ट कर सकता है। सिंपली गूगल प्ले स्टोर से लॉन्च करके ये डाउनलोड करके एप्लीकेशन को रजिस्टर करना है और सिंपल प्रोसीजर से कुछ वहाँ पे कुछ स्टेप्स दिखाए गए हैं, उन स्टेप्स को करते हुए ये रिपोर्ट कर सकता है उस इंसिडेंट को। और सबसे ब्यूटी इस एप्लीकेशन की ये है कि इस एप्लीकेशन में आपको ये है कि इसके फोटोग्राफ्स कैप्चर करने पड़ते हैं। जैसा आप रजिस्टर करोगे अपने आप को, कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट करोगे, इंसिडेंट के बारे में आपका एक तो फोटोग्राफ उसका ये आपको अपलोड करना होगा और लोकेशन उसकी ऑटोमेटिकली उसमें जियो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे। और जब ये रजिस्टर अपने आप को करेगा और सबमिट करेगा उस इंसिडेंट को, तो जो भी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स हैं कंसर्न ऑफिसर्स के, जो भी 10-15-20 नंबर हमने दिए होंगे एमरजेंसी को टैकल करने के लिए, उनको बाज़ाफ्ता उसका वो बीप आएगा, मैसेज आएगी। जैसे ही मैसेज आएगी वो कंसर्न ऑफिसर उस इंसिडेंट को देखेगा क्या इंसिडेंट हुआ, कहाँ हुआ है, और इमिडिएटली वो अपने सबॉर्डिनेट या कंसर्न ऑफिसर्स को, डिपार्टमेंट को वो फॉरवर्ड कर सकता है ताकि उसका वक्ती तौर पर उसका अजाला हो सके। और जो ये कंप्लेनेंट है या इंसिडेंट रिपोर्ट करने वाला जो बंदा होगा उसको भी ट्रैकिंग होगी इसकी कि मेरा जो मैंने रिपोर्ट किया इंसिडेंट वो रिजॉल्व हो गया नहीं हो गया, उसका क्या स्टेटस है। वो डैशबोर्ड जो है, दो तीन किस्म के यहाँ पर डैशबोर्ड रहेंगे, मैं जो डिप्टी कमिश्नर लेवल पर मैं भी उसको प्रव्यू कर सकता हूँ उस डैशबोर्ड को, तो उसका इंसिडेंट को उसका रेजोल्यूशन होगी नहीं होगी। मेरा जो दूसरा रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा उसके पास भी डैशबोर्ड होगा, वो भी देख सकता है कि इस इंसिडेंट की रेजोल्यूशन हो गई या नहीं हो गई। और दूसरी एक और ब्यूटी इस एप्लीकेशन की ये है कि इसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा ऐप हम डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम इमदाद होगा। ये ऐप जो इतला है इमदाद एप्लीकेशन के साथ जो है ये इंटीग्रेट हो जाएगा। और आपको जैसे पता है कि कोई भी केस जो हमारा SDRF NDRF में होता है, जैसे यहीं पर भी फायर इंसिडेंट होता है, अर्थक्वेक होता है, तो उसमें जो है प्रोसेसिंग में हमारे बहुत सारे चैनल्स ऑफ गवर्नमेंट्स होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट जाते हैं उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, उसमें दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, काफ़ी टाइम लग जाता है, महीना, दो महीने भी, किसी इंसिडेंट में 3 महीने भी इंसिडेंट में लग जाते हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन होगी हमारी, इसके बाद जो इसके साथ जुड़ी हुई इमदाद जो है वो इसमें इंटीग्रेट होगी और कोई भी जो नोट्स, कोई भी इंसिडेंट जो होगा, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, नेचुरल क्लाइमेटी से हो, मैन मेड क्लाइमेटी से हो, या और कोई इंसिडेंट हो, वो अननोट्स नहीं जाएगा, बाज़ाब्ता उससे इंटीग्रेट होगा। और हम कोशिश करेंगे कि वो जो इतला एप्लीकेशन है वो भी इस तरह ऑनलाइन रहेगी और हर जगह, हर स्टेप पर, हर बोर्ड पर, हर लेवल पर उसको हम ट्रैक कर सकेंगे कौन सी रिपोर्ट कहाँ से नहीं आई और कहाँ पर पेंडिंग है, ताकि उन इंसिडेंट्स को, उस SDRF केस को हम टाइमली रिजॉल्व कर सकें। उसके लिए हम टाइम फ्रेम बाज़ाब्ता तैयार करेंगे, चाहे वो 15 दिनों का, 20 दिनों का, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर से हम एक ड्यू डेलीगेशन करके उसमें टाइम फ्रेम रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उस टाइम फ्रेम में वो जो है उसका केस, उसका रेजोल्यूशन हो जाए और जो सफरर है हमारा उसको वो इमदाद, वो जो अमाउंट डी अमाउंट है एज पर गाइडलाइन, वो उसको मिल पाए। तो कुल मिला के मुझे लगता है ये जो हमारी आज की जो ये एप्लीकेशन जो हमने आज लॉन्च की है इतला, ये बड़ी फ्रूटफुल होगी हमारे आम डिस्ट्रिक्ट आम आदमी के लिए, हर एक इंसान के लिए, कोई भी इंसिडेंट वो बिल्कुल किसी झिझक के बगैर बिल्कुल आसान तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में, एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में ला सकता है ताकि उसका टाइम रेजोल्यूशन हो जाए। थैंक यू।